जंगल में बहुत सारे जानवर अपनी अलग अलग खूबियों के कारण जाने जाते हैं। कोई अपने मजबूत पंजों के कारण जाना जाता है तो कोई अपने शिकार करने के तरीके को लेकर मशहूर है। लेकिन आज हम आपको एनिमल किंगडम के एक ऐसे जानवर से रूबरू करवाने वाले हैं जो दूर से ही अपने शिकार को सूंघ लेता है और फिर उसे मौत के घाट उतार देता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कायोटी के बारे में, जो ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में पाए जाते हैं। ये एक ऐसा शिकारी जानवर है जो अपने मजबूत पंजों की मदद से किसी भी जानवर को मिनटों में धूल चटा सकता है। इस जीव के अंदर आपको वो सारी खूबियां देखने को मिल जाएंगी जो एक काबिल शिकारी में होनी चाहिए। ये एनिमल किंगडम का एक ऐसा जानवर है जिसे कई बार तो लोग दूर से देखकर जैकल समझने की भूल कर बैठते हैं। अपनी चतुराई के लिए जाना जाने वाले ये शिकारी आमतौर पर 10 से 20 साल तक आसानी से जिंदा रह सकता है। खाने के मामलों में कायोटी बाकी जानवरों की तरह ज्यादा सिलेक्टिव नहीं होता और इसे जो भी मिलता है ये उसे खा लेता है। तो चलिए अब बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं कायोटी के कुछ शानदार हमलों के सफर पर। कायोटी वर्सेस बाल्ड ईगल। अपने पंजों की ताकत से शिकार की खाल खींचने वाले ईगल भले ही आसमान के राजा हो, लेकिन जब सामने कायोटी जैसा खूंखार शिकारी आता है तो उसे भी झुकना ही पड़ता है, क्योंकि कायोटी कब अपने शिकार को मौत की नींद सुला दे किसी को पता तक नहीं चलता। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी मरे हुए जानवर के मांस को कुछ बॉल्ड ईगल्स और दूसरे पक्षी नोच नोच कर खाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से एक बॉल्ड ईगल को देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई और उसके खाने को हाथ भी लगाए, क्योंकि जैसे ही कोई दूसरा वहां आने की कोशिश करता है ये तुरंत ही उस पर हमला कर उसे भागने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इतने में उसकी इस दादागिरी को निकालने के लिए वहां एक कायोटी पहुंच जाता है और उस ईगल पर हमला करने लगता है। कायोटी के इस रूप को देखकर बेचारे ईगल को वहां से भागना ही पड़ता है, जिसके बाद कायोटी बड़े मजे से खाने का लुत्फ उठाने में मशगूल हो जाता है। तो देखा आपने कि इस जानवर के आगे ईगल जैसे खूंखार शिकारी भी कैसे अपनी हार मान लेते हैं। कायोटी वर्सेस बर्ड्स। यहाँ एक कायोटी अपने शिकार की तलाश में घूम रहा है, तभी उसे तालाब के पास बर्ड्स का एक ग्रुप पानी पीते हुए नजर आता है। इतने सारे बर्ड्स को एक साथ देखकर कायोटी किसी नौसिखिए शिकारी की तरह हड़बड़ाहट दिखाने के बजाय चालाकी से एक पल को रुककर सबसे पहले अपने शिकार के मूवमेंट का मुआयना करता है। उधर बर्ड्स के ग्रुप को अभी तक इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि एक कायोटी उनका शिकार करने की फिराक में उनके आसपास ही घूम रहा है, इसलिए वे बड़ी ही बेफिक्री के साथ तालाब के अंदर घूम रही हैं। इधर कायोटी उन पर हमला करने के लिए झाड़ियों के ओट में छिपते हुए तालाब के अंदर घुस जाता है, लेकिन किसी तरह वहाँ मौजूद उन बर्ड्स को कायोटी की मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वे कायोटी से खुद को बचाने में कामयाब हो जाती हैं। हालांकि कायोटी को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ तो उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वो तालाब से निकलकर खुले मैदान की तरफ बढ़ चलता है, जहाँ उसे बर्ड्स का एक और झुंड नजर आता है, जिसके बाद कायोटी एक भूखे शिकारी की तरह उन बर्ड्स की ओर दौड़ पड़ता है और अब की बार उसकी मेहनत रंग लाती है। कायोटी एक बर्ड को अपने मुंह से धर दबोचता है और फिर वहां से निकल पड़ता है। कायोटी वर्सेस कैट। कायोटी वो खूंखार शिकारी है जो लगभग हर जीव पर अपना हाथ आजमाने में माहिर होता है। यकीन नहीं होता तो इस वीडियो में देख लीजिए, जहां खुले मैदान में एक कायोटी बिल्ली की गर्दन को पकड़कर अपने जबड़ों से दबाने की कोशिश में लगा है। इस बेचारी बिल्ली को इसने इतनी बेरहमी से पकड़ा हुआ है कि वो चाहकर भी उससे छूट नहीं पा रही है। कुछ देर तक तो वो लगातार सिर्फ बिल्ली की गर्दन पर ही वार करता रहता है। इस दौरान वो बिल्ली वो तमाम हथकंडे आजमा रही है जिससे कि उसकी जान बच सके, लेकिन इस दरिंदे ने उसे नोच कर इतना घायल कर दिया है कि अब उसकी हालत हिलने डुलने के अलावा ज्यादा कुछ करने की नहीं रह जाती। और जब बिल्ली को देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने बचने की सारी उम्मीदें छोड़ चुकी है, तो अंत में ये शैतान उस बिल्ली के पेट को अपने मुंह में दबोच कर जंगल की ओर भाग जाता है। लेकिन कायोटी और बिल्ली की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हम आपके सामने एक और क्लिप पेश करने वाले हैं जहां कायोटी बिल्ली का शिकार करने की फिराक में है।
अब ये देखना तो बड़ा ही रोमांचक होगा कि वो अपने इरादे में कामयाब हो पाता है या नहीं। यहाँ रात के अंधेरे में एक बिल्ली एक घर के साइड में बड़े ही आराम से बैठी हुई थी, लेकिन तभी अचानक एक कायोटी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन वो जैसे ही उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है, वो बिल्ली थोड़ी हलचल करती है। बिल्ली की तरफ से हुई ये हलचल शायद कायोटी के मन में डर पैदा करने के लिए काफी थी। तभी तो वो ना चाहते हुए भी अपने कदम पीछे खींच लेता है, मगर थोड़ी ही देर में उसका एक और साथी वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर बिल्ली के ऊपर अपना रौब झाड़ने लगते हैं। मगर हैरानी की बात तो ये है कि बिल्ली अभी भी बिना डरे उन्हें वहां से भगाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अफसोस कि उसकी कोशिशें इन खूंखार शिकारियों के आगे ज्यादा देर तक नहीं चल पाती और अंत में एक कायोटी उसकी गर्दन को पूरी तरह से अपने मुंह में दबा लेता है। और इसके बाद उसका साथी कायोटी भी उसके साथ मिलकर बिल्ली के शरीर को नोचने लगता है। उस बेचारी बिल्ली का क्या हाल हुआ होगा, ये तो आप इस वीडियो देख कर अंदाजा लगा ही सकते हैं। कायोटी वर्सेस डियर। कायोटी एक ऐसा शिकारी जानवर है जो दिन के अंधेरे में तो शिकार पर निकलता ही है, लेकिन रात में भी ये चैन से नहीं सोता। इसके इस आदत को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसे रात का शिकारी भी कहें तो भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी आंखें और इसकी सूंघने की ताकत इतनी तेज होती है कि ये रात के अंधेरे में भी अपने शिकार को आसानी से ढूंढ ही लेता है। आप यहां देख सकते हैं कि कायोटी एक हिरन पर हमला करने की फिराक में लगा हुआ है, और जैसे ही वो हिरन एक पल को रुकता है, कायोटी फुर्ती से उसकी गर्दन को पकड़कर किसी पहलवान की तरह उसे एक झटके में जमीन पर पटक देता है। इस दौरान वो हिरन की गर्दन को इतनी जोर से पकड़े रहता है कि बेचारा हिरन अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो, लेकिन कायोटी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो इस वक्त सिर्फ अपने शिकार से मतलब है। कायोटी वर्सेस काउवेल। जब शिकार अकेला होता है तो कायोटी उसका क्या हाल करते हैं ये तो अब तक आप जान ही चुके होंगे, लेकिन जब दो कायोटी एक साथ मिलकर किसी पर अटैक कर दे तब तो उसे सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। यहाँ एक घायल काऊ एल्क इन दो खूंखार शिकारियों के बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है। इस समय उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इन शिकारियों से बचा कैसे जाए, क्योंकि मौत जब इतने पास खड़ी होती है तो किसी का भी दिमाग काम कर देना बंद कर देता है। आप देख सकते हैं कि कैसे कायोटी उसके पास पहुंचकर काउवेल्क के पीछे मौजूद उसके घायल हिस्से को नोचना शुरू कर देता है, जिसके थोड़ी देर बाद उसका साथी भी घायल काउवेल्क को नोच नोच कर खाने में उसका पूरा साथ देने लगता है। उधर काउवेल्क अपने आप को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि शायद उसे ये समझ आ चुका है कि वो चाहकर भी अब इन खूंखार शिकारियों से इस वक्त नहीं जीत सकता। उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए वे बेरहम कायोटी उस घायल काउवेल्क को जिंदा ही नोच नोच कर खाने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कायोटी का कौन सा हमला सबसे दर्दनाक लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही और भी शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।